आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 23 सितंबर साल 2008 की वो रात शायद मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उस रात हुई एक घटना ने मेरे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। आज भी जब कभी वो तारीख मेरे जहन में आती है तो अपने आप ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठता है। दरअसल घटना कुछ यूं है कि उस रात मैं जिस दुकान में काम करता था वहां मैं महीने का हिसाब कर रहा था। मालिक की तरफ से ऑर्डर था कि उन्हें महीने का पूरा हिसाब किताब आज रात ही चाहिए। मैं मालिक को मना तो नहीं कर सकता था, फिर चाहे जितनी भी रात हो जाए, क्योंकि मैं उस काम में नया नया जुड़ा हुआ था। खैर, सारा हिसाब मालिक को देने के बाद मैं जब दुकान से बाहर निकला तो पाया कि बाहर अभी भी बारिश हो रही है। खैर, छाता तो मैं लेकर ही आया था, लिहाजा मैं स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 10:30 बज रहे होंगे। अब तो बस आखिरी ट्रेन ही एक सहारा है, और अगर वो भी निकल गई तो आज घर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर मैं अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। कुछ देर चलने के बाद मैं जब स्टेशन पहुंचा तो आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही लगी हुई थी। टिकट तो मेरे पास पहले से ही था, लिहाजा मैं उस ट्रेन में सवार हो गया। आखिरी ट्रेन होने की वजह से ट्रेन में लोग काफ़ी कम थे, बस इक्का दुक्का ही मुसाफिर नजर आ रहे थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन खुली और रेंगती हुई पटरियों पर आगे बढ़ने लगी। बारिश अभी भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। अभी मैं सीट पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल वाली सीट से एक आवाज आई, अरे अजय, तू आज आखिरी ट्रेन से? मैं जब उस आवाज की ओर पलटा तो पाया कि वो मेरे दोस्त विनोद की आवाज है। विनोद आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठा। तभी मैंने विनोद की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे आज थोड़ी देरी हो गई। और इतना बोलकर मैं वापस से कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद विनोद फिर बोला, क्या हुआ, क्या सोच रहा है, कुछ परेशानी है क्या? तो इस पर मैंने जवाब दिया, ना ना, परेशानी क्या होगी, तू तो जानता है मैं अपनी साइकिल एक गैरेज में रखता हूँ, वही सोच रहा हूँ कहीं वो गैरेज बंद तो नहीं हो गया होगा। मेरे इस बात पर विनोद कुछ देर तक तो चुप रहा, मगर थोड़ी देर बाद बोला, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तू कोई सेकंड हैंड बाइक क्यों नहीं ले लेता, सस्ते में मिल जाएगा, कब तक वो पुरानी साइकिल घसीटेगा? विनोद की बात पर मैंने जवाब दिया, बाइक तो मैं ले सकता हूँ, पर वो क्या है कि ये साइकिल मुझे मेरे पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी है, पता नहीं क्यों उस साइकिल को छोड़ने का मन नहीं करता, और इत्तेफाक से आज ही मेरे पिताजी की बरसी है। मेरी सारी बात सुनकर विनोद बोला, माफ करना भाई, मैं बिना कुछ सोचे समझे बोल गया। तो इस पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये तो रोज का है। इसी बीच मेरा स्टेशन आ गया, जिस पर मैंने विनोद से कहा, चल मैं चलता हूँ, घर आना कभी। इतना बोलकर मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। बारिश इधर भी हो रही थी। मैं छाता लेकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला और सीधे बिश्नोई काका के गैरेज पहुंचा। बेचारे बिश्नोई काका गैरेज बंद करके मेरी साइकिल को बाहर लिए खड़े थे। मैं जल्दी से उनके पास गया तो काका बोले, जल्दी निकल जाओ जय, सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, मैं निकल जाता बस तुम्हारे लिए ही रुका हुआ था, जाओ। तो इस पर मैंने साइकिल घुमाते हुए कहा, हाँ बांस बगान वाले रास्ते से निकल जाऊंगा जल्दी। तो मेरी बात सुनकर काका बोले, बांस बगान वाले रास्ते से क्यों, सीधे रास्ते से जाओ, तुमको नहीं पता उस रास्ते पर 2 दिन से सरकारी काम चल रहा था, और आज गड्ढों में पानी भर जाने के चलते एक आदमी जब साइकिल लेकर गुजर रहा था तो गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई, सर पर चोट लगी थी उसके।
हालांकि अब गड्ढों को भर दिया गया है, पर काका की बात सुनकर मैंने कहा, अरे कुछ नहीं होगा काका, मैं चला जाऊंगा। जिसके बाद मैं साइकिल लेकर अपने घर की तरफ चलने लगा, एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़कर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और ये तकलीफ मुझे ज़्यादा देर तक ना झेलनी हो इसलिए मैंने बांस बगान वाले रास्ते से जाने का तय किया। घर में माँ अकेली होगी, ये सोचकर मैं तेजी से पैंडल मारने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं उस बांस बगान वाले रास्ते पर पहुँचा, तो वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा इतना घना था कि साइकिल चला पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि मेरे पास एक बैटरी टॉर्च थी, पर अब किस हाथ से मैं टॉर्च पकड़ता, जिस वजह से मजबूरन मुझे छाते को बंद करके साइकिल में टांगना पड़ा और एक हाथ से टॉर्च पकड़कर मैं आगे बढ़ने लगा। रास्ते के अगल बगल सिर्फ बड़े बड़े बांस के पेड़ थे, हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज थी, फिर भी मैं किसी तरह से आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि टॉर्च की धुंधली सी रोशनी में रास्ते के एक बगल मुझे कोई शख्स खड़ा दिखा। मेरी साइकिल जब उस आदमी के नज़दीक पहुंची, तो पाया कि वो मेरा एक दोस्त पोल्टू है। पोल्टू हमारे ही गांव का एक लड़का था, मगर इतनी रात गए वो यहाँ इस रास्ते पर क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके साथ उसकी साइकिल भी थी। मैं साइकिल चलाता हुआ पोल्टू के पास जाकर रुका और उससे पूछा, पोल्टू तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं किसी काम से आया था, पर तू तो इस रास्ते से घर नहीं जाता था। इस पर मैंने कहा, आज थोड़ी देरी हो गई तो इसी रास्ते से चलना ठीक समझा, चल चलते हैं साथ में। जिसके बाद पोल्टू और मैं अपनी अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। पोल्टू मुझसे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब पोल्टू मुझसे काफ़ी आगे निकल गया और मुझसे काफ़ी दूर सामने की तरफ रास्ते के बीचों बीच रुक गया। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये रास्ते के बीच में इस तरह से क्यों रुक गया है। खैर मैं साइकिल लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं पोल्टू की तरफ थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरी साइकिल एकदम से अपने आप ही रुक गई। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर मेरे कुछ किए बगैर ही साइकिल अपने आप कैसे रुक गई। मैं पैंडल तो मार रहा था, मगर साइकिल का पिछला चक्का बस एक ही जगह पर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से मेरी साइकिल को पकड़कर रखा हो, मगर कौन ये देखने के लिए मैं टॉर्च लेकर पीछे पलटा, तो सच में मेरी साइकिल को किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर रखा था। टॉर्च की रोशनी में बस दो हाथ ही नजर आ रहे थे। दोनों हाथों में से वो दाहिना हाथ जिसने साइकिल को पीछे से पकड़कर रखा था, उस हाथ की छोटी उंगली गायब थी। मैं चिल्लाते हुए तुरंत सामने की ओर पलटा, लेकिन सामने पोल्टू था ही नहीं। इतने में ही मेरी साइकिल भी अपने आप ही उन हाथों की पकड़ से आज़ाद हो गई, जिसके बाद मैंने जो साइकिल भगाना शुरू किया तो सीधे अपने घर पर ही रुका। घर पहुंचकर इससे पहले कि मैं माँ को पूरी बात बताता, तभी सामने से माँ ने कहा, बेटा तू आ गया, एक बार पोल्टू के घर जाकर आ, पोल्टू अब नहीं रहा, आज दोपहर को वो बांस बगान वाले रास्ते से आ रहा था, गड्ढे में गिरकर सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। माँ के मुँह से ये सुनकर मेरे पैर अपने आप ही कपकपाने लगे। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी साइकिल को पकड़ने वाले वो दोनों हाथ मेरे पिताजी के थे, क्योंकि पिताजी के भी दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं थी। मगर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर पिताजी ने मुझे पोल्टू के पास जाने से क्यों रोका,
क्या पोल्टू की आत्मा मुझे कोई नुकसान पहुंचाती या कुछ और। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।